नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शहडोल जिले के जयसिंह नगर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत तत्तागावन में कुछ दबंगों के द्वारा अराजी खसरा नंबर 114/1 में अवैध कब्जा कर लिया है। आवेदक कमलेश कुशवाहा के द्वारा बताया गया कि उनके गांव के ही निवासी भूषण दास कुशवाहा पिता बुद्धसेन कुशवाहा ने 114/1 में अवैध कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत जयसिंह नगर तहसील में की गई है और वहां से स्थगन आदेश 20 अप्रैल को जारी किया गया है। अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है और न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन आदेश भी निष्प्रभावी हो चला है। तभी तो स्थगन के बाद भी निर्माण कार्य बिना रोक टोक जारी है। अगर ऐसा ही तहसीलदार जयसिंह नगर का माफियाओं के विरुद्ध नर्म रुख रहा तो यही एक दिन भूमाफिया न्यायालय के द्वारा जारी आदेश अपमान करते हुए जंगल राज्य में व्याप्त कर देंगे। जब हमारे द्वारा इस विषम परिस्थिति में मीडिया कवरेज कर प्रभारी तहसीलदार दीपक पटेल से बात करनी चाहिए तो तहसीलदार महोदय ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। अब देखना यह होगा कि मामला प्रकाशन में आने के बाद आरोपी भूषण दास कुशवाहा के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। नाम बताओ। कमलेश कुशवाहा। कमलेश कुशवाहा। पिता? पिता बाबूलाल प्रसाद कुशवाहा। ग्राम? तगावर। अच्छा बताओ, क्या समस्या आपको? समस्या ये है कि मैं अतिक्रमण रोड में मकान बन रहा है, भूषण दास कुशवाहा बना रहा है। हाँ। तो मैं स्टे लिया तहसील से। हाँ। मां की कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। स्थगन हो गया था जी। स्थगन के बाद फिर भी वो काम चालू है ना? चालू किया है। तो आप पटवारी सूचना दिए कि भाई आपके स्थगन के बाद भी एक कार्य कर रहा है? उनको वहीं से जानकारी हो चुका है। अच्छा। तहसील से। तो कार्रवाई पटवारी नहीं कर रहा है? पटवारी के रोकने के बाद भी ये यहाँ के सरपंच महोदय द्वारा जारी किया गया है काम। अच्छा, तो आप उसका स्थगन का पेपर निकालो, आप दिखाओ। स्थगन पेपर दो भैया, खोलो इसको, आप अपने हाथ में पकड़ो। मतलब ये स्थगन का पेपर तहसीलदार जयसिंह नगर द्वारा जारी किया गया कार रोकने के लिए, है ना? 24 को स्थगन हो गया है। तो कितने दिन से काम चालू किया हुआ है? लगभग 3 दिन से। 3 दिन से फिर काम चालू कर लिया। ठीक। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।